अस्सलाम वालेकुम, यह है सुबह का टाइम और जैसे ही मैंने रूम का पर्दा हटाया तो देखा कि बाहर दो चूड़ियाँ बैठी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि इनको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अगर ये मैं नेट वाला डोर हटा देती तो ये चूड़ियाँ उड़ जाती, तो मैंने इनको ऐसे ही शूट कर लिया। तो मैं आज आपको बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है कीमे के दही बड़े, जिसे हमारे यहाँ टप्पू कहते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। तो दही में नमक, मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर बीट कर लिया है और बेसन का बैटर तैयार करा है, जैसे पकौड़ों के लिए करते हैं। नमक और इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है और इसको पानी के साथ अच्छा स्मूथ पेस्ट बना लिया है। और कीमे की हमने छोटे छोटे कबाब जैसी टिक्कियाँ बना ली हैं और एक एक टिकिया को हम इस बेसन के बैटर में डिप करेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। इनको हमें डीप फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर, बहुत तेज़ फ्लेम पर, बहुत तेज़ हीट पर इसको फ्राई नहीं करेंगे। जब अच्छी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तब इनको हमें प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी होती है और आप इसको अगर बकरीद के दिनों में बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, रमज़ान में भी बहुत अच्छी लगती है। और आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो उसको आप नाश्ते में या खाने में एज अ साइड डिश, एज अ स्टार्टर उसको सर्व कर सकते हैं। अब इन कबाबों के ऊपर हम जो हमने दही का मिक्स तैयार करा था वो डाल देंगे, ऊपर से चाट मसाला और भुना जीरा डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने डाली है ये इमली और गुड़ की मीठी चटनी, जिसे हम सौंठ कहते हैं, और ऊपर से इसके ऊपर डालते हैं प्याज। तो इसको इसी तरह से सर्व किया जाता है, आप चाहें तो ऊपर से चाट मसाला और डालें। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। अंदर इसमें मसालेदार चटपटा कबाब की टिक्कियाँ होती हैं, ऊपर से ठंडा दही होता है, तो ये बड़ा ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। तो इस टाइम मैं हूँ बहन के पास, अब मेरी बहन वापस जा रही है दुबई, तो मैं उनसे मिलने के लिए गई हुई थी। तो वहाँ उनकी बेटी अपना सामान कह रही थी, मामा मैं अपना बैग खुद पैक करूँगी, तो वो अपना बैग पैक कर रही हैं। मैंने सोचा ये क्लिप में शूट कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बड़ी खुशी खुशी वो माशाल्लाह अपना सामान पैक कर रही हैं। बेटियों को कुदरती होता है चीज़ों को संवारने का, रखने का, सेट करने का शौक, तो ये बड़े ही प्यार से अपना सामान सेट कर रही थी, तो मैंने इसको शूट कर लिया। नेक्स्ट डे इनकी फ़्लाइट है, ये चली जाएंगी, तो वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। अब मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको एयरपोर्ट के सीन। ये अब एयरपोर्ट पे पहुँच गई हैं और बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती में हैं। तो ये लोग जब भी आते हैं, जो भी हमारे रिश्तेदार बाहर से आते हैं, तो हंसी खुशी यहाँ पर रहते हैं, भागम भाग में उनका बिल्कुल टाइम गुजर जाता है। और वो एक महीने के लिए, डेढ़ महीने के लिए, जितने भी दिन के लिए आते हैं पता ही नहीं चलता वो टाइम कहाँ चला गया। वो लोग भी बहुत इन्जॉय करते हैं और हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा रौनक हो जाती है। तो इंशाल्लाह फिर आएंगी वो नेक्स्ट ईयर। तो अब ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। आज मैंने कुछ बाहर से ऑर्डर करा था, ये मेरी मोस्ट फेवरेट स्वीट है, इसको कहते हैं घेवर। आप लोग इसको जानते हैं या नहीं, किस किसने इस मिठाई को खाया है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नीचे क्योंकि बहुत क्रिस्पी होती है और ऊपर इसके मीठा सा मावा होता है, मीठा सा खोवा होता है, ये जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत अच्छा होता है। और साथ में ऑर्डर करे थे हमने ये शावरमा। तो ये एक लेडी हैं, ये घर से ही अपना ये रन करती हैं, इनका रेस्टोरेंट तो नहीं है लेकिन बस ये इसी तरह से ऑनलाइन है, जैसे क्लाउड किचन होता है इस तरह से इसको रन करती हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का इनका शावरमा होता है। लेकिन आज की शावरमा मुझे थोड़ी सी शिकायत थी कि जो इसके रैप थे वो थोड़े कच्चे थे, थोड़े सॉफ्ट थे और खाने में भी कच्चे लग रहे थे, वरना जब भी ये आते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो मैंने ये आज बाहर से खाना क्यों ऑर्डर करा कि मैं बता आज हूं। मेरा हलीम बनाने का इरादा था तो सोचा मैं अपनी नन को बुला लेती हूँ, तो उनकी फैमिली को मैंने बुला लिया था। तो हलीम था, बिरयानी थी, ज़रदा था और आज मेड भी नहीं आई थी, तो बहुत सारा घर में काम हो गया था तो मैंने लंच तैयार नहीं करा था। तो अपने टाइम को बचाने के लिए और अपनी थकन को कम करने के लिए मैंने लंच में ये ऑर्डर कर लिया था। ये सब खाना खाने के बाद हो गया था जोहर का टाइम, तो फिर मैंने नमाज और कुरान पढ़ा था। इन सबसे फारिग होकर फिर मैं लगी थी डिनर की तैयारी में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी हलीम या खिचड़ा बनता है तो उसमें कितना ज़्यादा टाइम लगता है। रात मैंने गेहूं और जो जौ होता है उसको भिगो दिया था और सुबह मैंने उसको बॉयल करके रख दिया था। अब इस नमाज और कुरान से फारिग होने के बाद मैं दालों को भिगोंगी, इन सबको कुक करूंगी, उधर गोश्त को भूनकर तैयार करूंगी। तो इस तरह से मैं ये हलीम को तैयार कर लूंगी। तो अब मैं ये सारी दालें मिक्स कर ली हैं, इसमें चावल भी हैं, दालें भी हैं, तो इनको मैं भिगो दूंगी एक घंटे के लिए, फिर इसको कुक होने के लिए रख दूंगी। साथ ही गोश्त ही कुक करूंगी, जब वो भुन जाएगा तो इन सबको मिक्स करके अच्छी तरह से उनकी गुटाई लगेगी।
और मीठे में बना रही हूँ ज़र्दा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वैसे यूजुअली ज़र्दा मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है, लेकिन आज का ज़र्दा सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छी से बन गई थी। जब किसी को खाने पर बुलाओ या घर पर भी कोई इस तरह की चीज़ें बनाओ और सबको पसंद आ जाती हैं और सामने वाला तारीफ़ कर देता है दिल खोल के, तो यकीन जानिए सारी मेहनत वसूल हो जाती है, सारी थकन उतर जाती है और दिल को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको खाना पसंद भी आया और सब ने तारीफ़ भी खूब करी थी। मुझे एक वीडियो पे कमेंट आया था कि प्लीज़ आप शेयर करिएगा कि ससुराल वालों के साथ किस तरह से रिश्ते अच्छे बनाए जाएं, किस तरह से उन लोगों के साथ एडजस्ट करा जाए, इसके ऊपर ज़रूर कुछ बोलिएगा। तो इंशाल्लाह मैं आगे की किसी वीडियो में ससुराल वालों के ऊपर, इन लॉज के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, किस तरह से हमें उनके साथ और अपने किसी भी रिश्तेदारों के साथ किस तरह से हमें अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ चलना होता है हर रिश्ते में, तभी हर रिश्ता कामयाब रहता है। चाहे वो माँ और बच्चों का रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, ससुराल वालों का रिश्ता हो या बहन भाई का रिश्ता हो, हर रिश्ते में हमें बहुत समझदारी के साथ चलना होता है। तो ये माशाल्लाह सब खाने से फारिग हो गए थे, सब लोग बैठे हुए थे। तो मैं बच्ची को दिखा रही हूँ, ये मेरी नंद की बच्ची हैं। ये माशाल्लाह सभी के बीच में खिलौना जैसी हैं और इनकी बातें इतनी प्यारी बातें होती हैं कि ये बहुत ही माशाल्लाह हाजिर जवाब हैं। ना ही ये छोटों से शर्माती हैं, ना ही बड़ों से शर्माती हैं, हर किसी को फौरन जवाब देती हैं, बहुत कायदे से बहुत अच्छे जवाब देती हैं कि सबका दिल खुश हो जाता है। तो ये मेरी बच्ची की जो डॉल है उसके साथ खेल रही हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।